नमस्कार दोस्तों, एचआर रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आपको तरबूज वाटरमेलन का जूस बनाना सिखा रही हूँ। देखिए, मैंने ये काट लिया है, ये मैंने ऐसे पीसेस बना लिए हैं। इसके लिए मुझे थोड़ी सी बर्फ चाहिए, थोड़ा सा काला नमक, थोड़ी सी चीनी, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा नमक। ये देखिए, मैंने इसमें ये डाल दिया है और इसमें मैं थोड़ी सी डाल दूंगी नमक, काला नमक डालूंगी, थोड़ी सी काली मिर्च डाल दूंगी, थोड़ा सा चुटकी भर नमक है, ये सब एक एक चुटकी मैंने डाला है इसके अंदर, थोड़ा सा शुगर है, इसको मैं चला दूंगी। देखिए, ये पिस चुका है, इसमें अब मैं थोड़ा सा आइस डाल के चला दूंगी इसको, जैसे ये ठंडा हो जाए। देखिए, ये मेरा जूस वाटरमेलन का बन चुका है, ये अब मैं ग्लास में डाल ले जा रही हूं। कितना सुंदर लग रहा है। देखिए, जूस मैं बना चुकी हूं, अब मैं बनाने जा रही हूं शेक। शेक के लिए मैंने ये छोटे छोटे पीसेस काट लिए हैं और इनके बीज जो थे, जो इसमें काले काले बीज है ना, ये निकाल चुकी हूं, इसलिए अब मैं उसके लिए मुझे चाहिए, देखिए, थोड़ा सा मेवा, थोड़ा सा दूध, थोड़ी सी शुगर और थोड़ी सी बर्फ। अब ये मैं जार में डाल के और ये चीनी भी डाल दूंगी इसी में, और मैं इसको चला दूंगी पहले। देखिए, ये मेरा पिस चुका है तरबूज, तो अब मैं इसमें डालूंगी दूध एक गिलास, अब थोड़ी सी डालूंगी मैं आइस इसमें और फिर चलाऊंगी इसको मैं। देखिए, ये मेरा शेक रेडी हो चुका है शेक, अब मैं इसको ग्लास में डालने जा रही हूं। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, और अब मैं थोड़ा सा इसको डेकोरेट कर दूंगी। और ये मेरा जूस है और ये मेरा शेक है, दोनों में डिफरेंस पता चल रहा होगा आपको। स्ट्रॉ डाल दूंगी और थोड़ी सी आइस डाल दूंगी दोनों में, और शेक में मैं थोड़ा सा डालूंगी मेवा। देखिए कितना सुंदर लग रहा है देखने में। जे आपको ये दोनों रेसिपी पसंद आई हूँ, जूस और शेक दोनों पसंद आए हूँ, तो आप प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए, शेयर करना ना भूलिए।